दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी टाइटैनिक के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। टाइटैनिक हॉलीवुड की एपिक कल्ट क्लासिक मूवी में से एक है। इसको रिलीज किया गया था 18 नवंबर 1997 को। इस मूवी में हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड केट विंसलेट। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून ने और इसको 7.8 आईएमडी रेटिंग भी दी गई है। टाइटैनिक मूवी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी जो 1912 में घटा था। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ जो इंग्लैंड से अमेरिका की ओर जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश 14 अप्रैल 1912 को अपनी यात्रा के तीसरे दिन ही रास्ते में एक बड़े हिम चट्टान से टकरा कर डूब गया और जिसमें 1517 लोगों की मौत हो गई। जेम्स कैमरून ने इसी इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर के अपनी मूवी टाइटैनिक का निर्माण किया। अब बात करेंगे इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसका बजट रखा गया था 20 करोड़ US डॉलर और इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 218 करोड़ US डॉलर का बिजनेस किया था और ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। और अब बात करेंगे इसके अवार्ड्स के बारे में। तो टाइटैनिक मूवी ने 23 मार्च 1998 में हुए ऑस्कर अवार्ड में टोटल 11 अवार्ड अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला जेम्स कैमरून को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला जेम्स कैमरून को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला केट विंसलेट को और इस तरह टोटल इन्होंने 11 अवार्ड अपने नाम किए, जिसमें कैटेगरी थे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। और अब बात करेंगे मूवी की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। स्टूडियो इसमें पहले मैथ्यू मैकेनहे को कास्ट करना चाहता था जिन्होंने इंटरस्टेलर मूवी में काम किया, बट जेम्स कैमरून के इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने इसमें लियो को कास्ट कर लिया। रोज के कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद ग्वेनेथ पेल्थ्रो थी जिन्होंने आयरन मैन में पेपर का कैरेक्टर निभाया था और केट ने जेम्स कैमरून से काफी इंसिस्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे तो उनको ऑडिशन ले सकते हैं और जेम्स कैमरून ने काफी ऑडिशन लेने के बाद उनको इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। कहीं ना कहीं इस फिल्म में जैक के कैरेक्टर के लिए जॉनी डेप का नाम कंसीडर किया जा रहा था, बट जेम्स कैमरून की पहली पसंद लियोनार्डो डिकैप्रियो ही थे। सन 1910 से 1912 में जब रियल टाइटैनिक बनाया गया तब इसकी लागत आई थी 7.5 मिलियन डॉलर जो 1997 में तकरीबन 120 से 150 मिलियन डॉलर के बराबर थी, पर इस मूवी को बनाने में 200 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल हुआ। टाइटैनिक के फाइनल नाइट शूट में कुछ प्रैंकस्टर ने पानी में पीसीपी और एंजल डस्ट मिला दिया था जिससे 80 लोगों को हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो गई थी और उनको इमिडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा था। टाइटैनिक के सेट पर लियो ने एक लिजर्ड को पाला था जो एक ट्रक से घायल हो गया था। केट विंसलेट पानी का सीन शूट होते वक्त गीला सूट नहीं पहनना चाह रही थी, पर डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने ये गीला सूट पहना और आखिरी में उनको निमोनिया हो गया। टाइटैनिक के सारे पानी वाले सीन को समुद्र में नहीं बल्कि बहुत बड़े स्विमिंग पूल के अंदर शूट किया गया था जो मैक्सिको में ही स्थित है। शिप के एक्सटीरियर सेट को मैक्सिको के एक बीच के किनारे बनाया गया था। पूरी फिल्म में पानी की गहराई सिर्फ 3 फीट रखी गई थी। डायरेक्टर इस मूवी में किसी भी गाने को नहीं रखना चाह रहे थे, पर बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया और माई हार्ट विल गो ऑन गाने को इस मूवी में रख लिया। इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा गया था जिसका नाम था माई हार्ट विल गो ऑन, जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स हॉर्नर ने और जिसको गाया था सलीन डियोन ने, और ये गाना आज भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। मूवी के एक सीन में टाइटैनिक के इंजन रूम का सीन दिखाया गया जिसमें एक स्टंट मैन का यूज किया गया था जिसकी हाइट 5 फीट थी। 5 फीट के इस स्टंट मैन को इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि इंजन रूम को बहुत ही बड़ा दिखाना था। फिल्म के एक कैरेक्टर कैप्टन स्मिथ के रोल के लिए सबसे पहले रॉबर्ट डिनेरियो को ऑफर किया गया, बट वो अपने पेट में कुछ इन्फेक्शन की वजह से बीमार पड़ गए और वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। मूवी में जैक रोज का एक स्केच बनाते दिखाए गए हैं, बट रियल में इस स्केच को जेम्स कैमरून ने खुद बनाया था। और मूवी में जैक अपने साथ एक स्केच बुक लेकर घूमते हैं। इस स्केच बुक में जितने भी स्केच बने थे उसे जेम्स कैमरून ने खुद बनाया था। मूवी के एक सीन में जहां पानी को बड़े से स्टेयरकेस वाले रूम में घुसना होता है, इस सीन को एक ही बार में शूट किया गया था क्योंकि इस सीन में जितने भी फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया था उनको एक ही बार में डिस्ट्रॉय करना था। जेम्स कैमरून पहले फिल्म का नाम प्लैनेट आइस रखने वाले थे, पर बाद में उन्होंने अपना मन बदलकर इस फिल्म का नाम टाइटैनिक रख दिया। फिल्म के एक सीन में एक ओल्ड कपल को दिखाया गया है जो बेड पे लेटे रहते हैं और रूम में अचानक पानी भर जाता है। दरअसल ये लोग एक्टर नहीं होते हैं, ये लोग रियल कपल होते हैं जिनको 1912 में टाइटैनिक का टिकट मिला होता है, बट ये लोग किसी कारण से टाइटैनिक में सफ़र नहीं कर पाते हैं। टाइटैनिक वो पहली फिल्म थी जिसमें दो एक्ट्रेस केट विंसलेट और ग्लोरिया स्टुअर्ट को एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था क्योंकि इन दोनों ने सेम पर्सन रोज का कैरेक्टर एक ही फिल्म में प्ले किया था। ग्लोरिया स्टुअर्ट जिन्होंने रोज़ के ओल्ड करेक्टर को पोर्ट्रेट किया था वो पहली लेडी थी जो सन 1912 के एरा में जिंदा थी जब रियल टाइटैनिक डूबा था। उनका जन्म 4 जुलाई 1910 में हुआ था और टाइटैनिक 1912 में डूबा था।
फिल्म के आखिरी में जब कुछ लोग पानी में रह जाते हैं उनको जमा हुआ दिखाना था। इसके लिए इसमें वैक्स का इस्तेमाल किया गया जो उनकी बॉडी पे और उनके कपड़ों पे लगाया गया, जिससे वो सबके सब जमे हुए नज़र आ रहे थे। जेम्स कैमरून ने सबको धमकी दे रखी थी कि लाइफ बोट सीन शूट होते वक्त अगर कोई भी बाथरूम ब्रेक के लिए उतरा तो उसको इस फिल्म से फायर कर दिया जाएगा, और ये बात कई सारी एक्ट्रेस ने एक्सेप्ट किया। खुद केट विंसलेट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। फिल्म के एक सीन में जहां जैक एक बड़े से स्टेयर केस पर खड़े होते हैं और उनके पीछे एक वॉच होती है जिस पर टाइम होता है 2:20 AM, जो एग्जैक्ट टाइम होता है रियल टाइटैनिक के डूबने का। और पूरी फिल्म शूट होने के बाद पूरे जहाज को एक स्क्रैप मेटल में बेच दिया गया। फिल्म के डायरेक्टर और पैरामाउंट स्टूडियो ने इस फिल्म को दोबारा से रिलीज़ करने का मन बनाया और 6 अप्रैल 2012 को इस फिल्म को 3D में रिलीज़ किया गया, और ये वही डेट थी जब रियल टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल पूरे हो गए थे। मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद आई थी और मैं ये फिल्म अक्सर कभी ना कभी देख लेता हूँ। और इस फिल्म का सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, और मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए इस सॉन्ग को कभी कभी सुन लेता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उन्हें आगे सही कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको इस मूवी का कौन सा अननोन फैक्ट पसंद आया, और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मुझे आगे किन मूवीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।